Hello students, welcome you all to our channel that is Eduventures Learning. Today we are going to start with the second chapter of Standard 9 that is included in the NCERT books, tissues. So what is tissues? Tissues are a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function. Forms a tissue. Tissues जो है in real group of cells हैं जो कि एक साथ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि साथ में काम कर सकें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. कुछ सेल्स का एक साथ होना टिश्यू फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज आर द ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर ऑफ सेल्स. Tissues become organized to form organs, and in further process, some tissues get organized and composed and forms organ. So here is the process how it goes. Cells, many cells form tissues, many tissues form organ, many organs together form organ system, and lots of organ system together form organisms like human beings or animals. Right, here in the picture it is very clear. This is a cell from intestine. Group of cells made tissues. This is the real tissue structure. Then lots of tissues together formed a organ, that is small intestine. Small intestine with another organs formed the digestive system. Like here we can see yahan pe लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, लिवर है, किडनी है, राइट. तो ये हमारा स्टमक है, सॉरी स्टमक एंड लिवर है. तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म हो रहा है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का एक पार्ट है. जिस तरह से हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारे होते हैं, तो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो भी, सारे लोगों में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके ह्यूमन बॉडी क्रिएट होता है. और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बेसिक और स्ट्रक्चरल थिंग जो होता है वो होता है सेल, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इन डिटेल, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. सो इस चैप्टर में हमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ऑफकोर्स एज इट इज़ वेरी क्लियर नाउ. सो टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़. सो वी विल स्टडी अबाउट बोथ दीज टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है. बिफोर दैट, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं. सो लेट्स गेट वॉट इज प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ आर बेस्ड ऑन देयर फिक्स्ड हैबिट. प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड हैबिट होता है एंड मेनली प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट. ऑफकोर्स प्लांट टिश्यूज हैं तो प्लांट को ही सपोर्ट करेंगे, राइट. तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ जितना भी उनका स्ट्रक्चरल फंक्शंस रहता है उन सभी पे वर्क करते हैं. प्लांट टिश्यूज का एक फिक्स हैबिट होता है और वो प्लांट के लिए ही प्रोवाइड करते हैं अपना सारा सपोर्ट और फंक्शंस. प्लांट टिश्यूज आर ऑफ वेरियस टाइप्स. प्लांट टिश्यूज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो सारे सिमिलर टाइप के होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज. ऑफकोर्स प्लांट सेल और एनिमल प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट है बिकॉज प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू भी डिफरेंट होते हैं. सिंस देर आर सेवरल डिफरेंसेज बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल. ये दोनों डिफरेंट होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल भी डिफरेंट होते हैं, राइट. नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं. तो प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली प्लांट टिश्यूज अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्रेजेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट, राइट. मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट. मेरिस्टेम टिश्यूज जो है ऑफकोर्स ये ग्रोथ रिलेटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है. ग्रोथ रिलेटेड टिश्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट को बड़े होने में हेल्प करते हैं. दीज आर द ग्रोथ रिलेटेड टिश्यूज. और ये टिश्यूज जो होते हैं ना, जब ये तब वर्क करते हैं जब ग्रोथ कम्प्लीटली खत्म हो चुकी होती है, परमानेंटली हो चुकी होती है. सो यहाँ पे जो होता है जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथ कंप्लीटेड. ओके, सो मेरिस्टेम्स आर ग्रोथ रिलेटेड एंड परमानेंट टिश्यूज आर ग्रोथ कंप्लीटली रिलेटेड टिश्यूज.
सो प्लांट टिश्यूज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम्स या फिर परमानेंट टिश्यूज। फर्दरली वी डिवाइड मेरिस्टेम इनटू थ्री पार्ट्स। मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं वो भी थ्री पार्ट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, इंटरकैलरी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, ये जितना भी हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे ना, इन सब के बारे में वी विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट इट, राइट। देन होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो है वो भी दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल का मतलब आप लोग जानते हो, एकदम नॉर्मल सिंपल, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें एक्चुअली बहुत सारी फंक्शनिंग होती होगी, बहुत सारी थिंग्स, नाम ही इनके काम बता रहे हैं, राइट। सो सिंपल टिश्यूज जो हैं, ये टिश्यूज को सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, वन टाइप होता है इनका, एक ही तरह के होते हैं सारे टिश्यूज, ठीक है। सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। इसके बारे में तो हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन किया है, स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में हमने काफ़ी, सॉरी 9 में तो अभी करेंगे, स्टैंडर्ड 7 और 8 में भी आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में ऑफकोर्स पढ़ा होगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। सो प्लांट टिश्यूज के बारे में हम लोग इतना कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In this video, we are going to discuss about the meristic tissue only, meristic and its parts. ठीक है, apical, lateral and intercalary. So let's talk about meristematic tissues क्या होते हैं या meristems क्या होते हैं. The meristems are the tissues having the power of cell division. Meristems एक ऐसे tissue होते हैं जिनके पास cell division का power होता है. क्यों होता है cell division का power? क्योंकि मेरिस्टम्स जो हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, और ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से होती है। एक सेल दो में डिवाइड होगा, दूसरा वाला फिर दो में डिवाइड होगा, फिर वो दो में डिवाइड होंगे, तो ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाता है हमारा सेल्स, वैसे वैसे हमारा बॉडी ग्रोथ करते जाता है। सिमिलरली प्लांट्स के साथ भी होता है, हमने ये 3 स्टैंडर्ड 9 के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस की है सेल डिवीजन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और किस तरह से सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से ग्रोथ हमें नजर आता है। इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन्स ऑफ द प्लांट विच ग्रोज। मेरिस्टेम्स जो है, मेरिस्टेम टिश्यूज वैसी जगहों पे मिलते हैं प्लांट के जहां से प्लांट ग्रो करता है, जैसे रूट से ग्रो करता है, शूट से ग्रो करता है, लीव्स भी ग्रो करते हैं, तो ये सारी जगहों पे मेरिस्टेम्स हमें मिलते हैं। सेल्स हैव थिन सेल वॉल्स। ऑफकोर्स प्लांट सेल्स हैं तो इनके पास सेल वॉल्स तो होंगे ही। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं ना, इस तरह से बिल्कुल क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसी तरह यहाँ पे मेरिस्टेम सेल्स में, जो मेरिस्टेम टिश्यूज में जो सेल वॉल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट। ये अलग अलग चीज है, लेंथ में इंक्रीज करना, विड्थ में इंक्रीज करना आर टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। किस तरह से डिफरेंट है और इसमें कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट या कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, उसके बारे में अभी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। मेरिस्टेमेटिक के जो तीन पार्ट हमने पढ़े ना, एपिकल, इंट्रा, ये वाले एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम, इसमें से कौन से ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेंथ में आई मीन, और कौन से टिश्यूज होते हैं जो विड्थ में हेल्प करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यूज हैं, एक क्लोज डिस्क्लोजर इसका, मेरिस्टेमेटिक एक ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट के जो कि प्लांट सेल से बनते हैं ऑफकोर्स, और प्लांट सेल से बने हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के लेंथ और विड्थ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, कहाँ पे ये पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, इंटरकैले एंड लेटरल। नाउ लेट्स डिस्कस एपिकल क्या होता है। एपिकल का मतलब होता है टॉप पे, ठीक है, टॉप में या फिर टिप बोल सकते हो आप,
एकदम टिप पे, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ स्टेम के ही टॉप पे नहीं मिलेगा, रूट्स के टिप पे भी तो हो सकता है, ठीक है, रूट्स के टिप पे भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग टॉप या फिर टिप ऑफ द प्लांट पे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है लेंथ वाली जो ग्रोथ है वो नीचे में से भी तो कर सकती है। बैम्बू ट्री तो नीचे से ही ग्रो करता है ना, शुगर केन भी नीचे से ऊपर आता है ग्रो करते करते, तो रूट्स में भी हो सकती है और टिप पे भी हो सकती है, स्टेम पे भी हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि टॉप पे होती है। देन आते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के इस वाले पोर्शन में होते हैं। एंड द थर्ड इज इंटरकैले। इंटरकैले के बारे में हम लोग अच्छा खासा एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें ना ये प्रॉब्लम होती है जानने में कि ये जहाँ पे होता है वहां से ये विड्थ में हेल्प करता है या फिर टिप को इंक्रीज करने में, लाइक लेंथ में हेल्प करता है या विड्थ में इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो होते हैं साइड्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ये विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पे ये जो है वो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो फिर इंटरकैले यहाँ पे क्यों है, लेट्स गेट दिस। द एपिकल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ। एज आई सेड बिफोर, एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं या फिर रूट्स के एंड पे होते हैं, टिप पे होते हैं, और रूट्स और स्टेम्स के इंक्रीज इन लेंथ में हेल्प करते हैं, लेंथ बड़ा करने में प्लांट का ये टिश्यूज हेल्प करते हैं। द लेटरल मेरिस्टेम्स इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, एज यू कैन सी हियर, साइड्स ऑफ द स्टेम में होते हैं या रूट्स में होते हैं, और अकर्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ऑफ द प्लांट। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट। लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्लांट के विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, मोटा करने में प्लांट को। नाउ द लास्ट वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पीरियड, जो कि ग्रोथ पीरियड के टाइम पे एक स्पेस में छोड़ दिया जाता है, फिर आगे बढ़ने लगता है और फिर वहां पे दूसरा टिश्यू क्रिएट हो जाता है। दे आर शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एंड कन्वर्ट इन टू परमानेंट टिश्यूज, और कुछ समय बाद परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बनते हैं तब मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, ग्रोथ करते में हेल्प करते हैं, और उसके बाद कुछ हाइट में बढ़ने के बाद वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, और दूसरा मेरिस्टेम टिश्यू या फिर से इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स को बॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? ये जो होते हैं वो तो या तो बेस ऑफ लीफ पे मिलते हैं या फिर इंटरनोड में मिलते हैं। इंटरनोड क्या होता है, आई विल लेट यू नो राइट नाउ। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स के लेंथ में इंक्रीमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ एग्जाम्पल में, ये जो है वो है बैम्बू ट्री, ठीक है, बैम्बू स्टेम है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, बैम्बूज में आपने देखा होगा ये इस तरह के जो होते हैं, ये ऐसे करके ये नॉड्स बने हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉड्स, ठीक है। अब एक नॉड से दूसरे नॉड के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनॉड। क्या बोलते हैं? इंटरनॉड। ना ये मेरिस्टेम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, यहाँ पे सपोज ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा था तो वो इतना दूर ग्रो करने में हेल्प किया और फिर परमानेंट हो गया, यहीं पे रुक गया। फिर दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम आया जो और इसको और फर्दर इंक्रीज करने में हेल्प किया, है ना। यहाँ पे एक इंटरकैलरी था, इतना दूर ग्रोथ करने में हेल्प किया, फिर वो यहीं पे आके परमानेंट हो गया। फिर दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम आया और फिर वो इतने दूर ग्रोथ करने में हेल्प किया, फिर यहाँ पे आके परमानेंट हो गया। तो ये फंक्शन होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, और ये एक ऐसा मेरिस्टेम है, एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट को एक लिमिटेड हाइट तक ही ग्रो करने में हेल्प करता है। लाइक आप कभी नहीं देखोगे जैसे ये बैम्बू और शुगर केन जैसे जो स्टेम्स होते हैं उसमें ये जो होते हैं ना ये ज़रूर मिलते हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ से कुछ रूट्स निकले हुए भी ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है। रूट्स निकले हुए मिलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि ये टिप हो जाता है ना इसका, है ना, और टिप पे मिलने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, तो इसीलिए ये एक पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम भी है।
इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज ऑफ द सेल, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज और उसके जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू के पार्ट्स जितने भी थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, आई होप दीज थ्री आर वेरी मच क्लियर टू यू, सेम होते हैं. और ये जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं, बेस्ड ऑन ग्रोथ होते हैं, बेस्ड ऑन ग्रोथ, ठीक है. वो ग्रोथ जो है वो लेंथ वाइज हो या विड्थ वाइज हो, गॉट इट? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक दीज वीडियोज प्रेस लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.